मुख्यमंत्रियों के साथ हुई कोविड वैक्सीन की बैठक में आखिर क्या बोले प्रधानमंत्री, ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं रोहित सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों और रिकवरी के मामले में भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। पीएम मोदी ने इसके लिए साझा प्रयास को श्रेय दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वह वैज्ञानिकों की हर कसौटी पर खड़ा उतरेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं पता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संक्रमण रोकने के लिए और प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। संक्रमण दर को 5% से कम लाना होगा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय लोकल लेवल पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण। ये भारत की एक और उपलब्धि कहिए। भारत ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सुबह 10 बजे किया गया, जिसने एक अन्य द्वीप पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज अब 400 किलोमीटर से अधिक हो गई है। तेजस्वी सूर्य पर ओवैसी का अटैक, पूछा क्या अमित शाह तब सो रहे थे जब 30,000 रोहिंग्या यहाँ बस रहे थे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा अगर 30,000 रोहिंग्या आए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे। सोमवार की शाम को अपने प्रत्याशी का प्रचार करते हुए तेजस्वी सूर्या ने उस बयान का जवाब दिया जिसमे तेजस्वी ने उन पर रोहिंग्या मुसलमानों को हैदराबाद में जगह देने का आरोप लगाया था। ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा अगर 30,000 रोहिंग्या मुसलमान यहाँ के वोटर हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अमित शाह सो रहे थे। यह उनकी जिम्मेदारी है कि 30-40 रोहिंग्या कैसे रजिस्टर्ड हो गए। अगर वाकई बीजेपी ईमानदार है तो मंगलवार की शाम तक मुझे 1,000 नाम बता दे। ये एक तरीके से खुली चुनौती भी है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर आलिया बनी प्रियंका खरवार, इस पर क्या बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल तत्व है। दो व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं उसमें आपत्ति करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवर उर्फ आलिया की याचिका पर किया है। प्रताप सरनाइक के घर ईडी का छापा, एक बेटे विहिंग को लिया हिरासत में जबकि दूसरे बेटे के घर पर जांच अभी भी जारी है। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाइक के थाने शहर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने रेड डाली है। ईडी के अधिकारियों द्वारा प्रताप सरनाइक के परिजनों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की भी जाँच की जा रही है। मुंबई और थाने समेत 10 जगहों पर रेड की बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक यह रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाइक के बीच हुए आर्थिक लेनदेन को लेकर हुई है। आखिर किस मामले में रेड हुई है ये भी समझ लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी किस मामले में की है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ही समय में यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय का शक है कि प्रताप सरनाइक और उनके परिवार ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को छिपाया है। बता दें कि प्रताप सरनाइक खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। शिवसेना में उनको एक तेज तरार नेता के तौर पर जाना जाता है। आगे की सारी जानकारी आपको हम जरूर अपडेट करेंगे। तब तक देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहें TRIPLE.COM पर। धन्यवाद।